नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसन की सब्जी बनाना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल एकदम अलग तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन को लिया है। मसालों में मैंने पिसी हुई लाल मिर्च लिया है 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, नमक आपकी इच्छा अनुसार, हल्दी 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और काली मिर्च 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, और मैंने एक मीडियम साइज का प्याज लिया है और एक साबुत लहसुन और 1 इंच टुकड़ा लहसुन अदरक का। और इन प्याज अदरक और लहसुन को मैंने मिक्सी में पीस लिया है, जो इस तरह का हो गया है। ये देखिए मैंने पेस्ट बना लिया है। टोमेटो प्यूरे 1/2 कप, मैंने 2 मीडियम साइज का टमाटर पीसा है और हरा धनिया और 1 टीस्पून जीरा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी और 1 तेज पत्ता। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसन का एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना होगा और सबसे पहले इसमें नमक को डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका मैं बिल्कुल गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल ही एकदम गाढ़ा पेस्ट मैंने बनाया है, पतला बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए चम्मच से काफी समय में गिर रहा है। और चूल्हे पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और इसमें मैंने पानी को डाला है और ये पानी जो हमारा है उबलने लगा है। और अब मैं जिस तरह से बरी पारते हैं इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से इसे खौलते हुए पानी में डाल देना है। और ये गर्म पानी में तुरंत ही पक जाता है। ये देखिए ये ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब ये जो बेसन जो हमारा है वो पक गया। ये देखिए सारा बेसन जो है, जो मैंने छोटा छोटा इस तरह से इसमें डाला था बरी के जैसा, ये देखिए ऊपर आ चुका है, ये पक चुका है। और अब मैं इसे एक प्याले में निकालूंगी। ये देखिए गैस को मैं बंद कर दूंगी और एक प्याले में मैंने पानी को रखा है, इस पानी में इसे डाल दूंगी। ये बिल्कुल गर्म पानी नहीं है, ये नॉर्मल पानी है, ठंडा पानी है। इसमें मैं बेसन को इस तरह से जो मैंने बरी जैसा बनाया है इसे मैं इसमें डाल दूंगी। फिर इसके बाद इसे छन्नी की सहायता से इसे मैं एक दूसरे प्याले में निकाल लूंगी। ये देखिए ये देखिए पानी में इसे मैंने इस तरह से उबलते हुए पानी में मैंने इसे बनाया है। तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। और अब मैं मसालों को तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने 3 टेबल स्पून तेल को डाला है मैंने। अब चाहे तो मैंने सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो कोई सा भी तेल इस्तेमाल कर सकती हैं। और अब मैं इसमें तड़के को डालूंगी, जीरा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी,
ये देखिए मैंने डाल दिया है, जीरा चटकना शुरू हो चुका है और अब मैं इसमें अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट इसमें मिला दूंगी और इसे 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से इसे भूनना है। और अब मैं बाकी मसालों को भी मिला दूंगी। इसमें मैंने हल्दी डाला, जीरा, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक और इसे भी अच्छे से भून लेना है। मैंने तेल थोड़ा कम ही डाला है, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकती है, आपकी इच्छा के ऊपर है। ये देखिए मसालों से तेल बिल्कुल अलग हो रहा है, इसका मतलब ये मसाला हमारा भुन चुका है। और अब मैं इसमें टोमेटो प्यूरे को डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से एकदम भूनना है। टमाटर का कच्चापन बिल्कुल दूर कर देना है। ये देखिए टमाटर भी हमारा बिल्कुल भुन चुका है, मैंने 4 से 5 मिनट टमाटर को भूना था और अब मैं इसमें पानी को मिला दूंगी। पानी मैंने 1 कप मिलाया है और अब मैं इसमें ये जो बेसन का हमने बरी बनाया था इसे मैं इन मसालों में मिला दूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बेसन का सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है और ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगता है। और मैंने बेसन को बिल्कुल भी भुना है न तला है, मसालों को भूनने के बाद मैंने इसमें मिला दिया है। और अब मैं इसमें थोड़ा हरा धनिया मिला दूंगी इसे भी मिला लेना है अच्छे से। और अब मैं गैस को बंद करके इसे नीचे उतार लूंगी और इसे मैं एक प्याले में निकाल लूंगी। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये बेसन का सब्जी बना है। ये देखिए तो दोस्तों, ये हमारा बेसन का सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।